प्रेडिक्शन कर रहे हैं, चंद्रमा की प्रेडिक्शन कर रहे हैं तो हम फ्रेंडशिप से करेंगे, अगर हम बुध की प्रेडिक्शन कर रहे हैं तो चंद्रमा करेक्ट में आ रहा है तो उसको हम एनिमी से करेंगे, ठीक है। हाँ, तो उस समय पे हम जब प्रेडिक्शन करेंगे पार्ट में, तो इसमें आप याद रखना इस बात को, हम वहां पे आपको अलग डिफरेंशिएशन बता देंगे इसका, ठीक है। राइट, अब बात आती है प्रोग्रेशन की। प्रोग्रेशन में डिग्री, सबसे पहले डिग्री से कर लेते हैं रिपीट एक बार। डिग्री का इज पीके 101G, मैं आपको नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहा, इफ यू कैन राइट योर गुड फुल नेम इट विल बी ग्रेट, थैंक यू। अगर आप डिग्री से बात करेंगे तो डिग्री को हम निकालने की प्रक्रिया ऐसी थी कुछ, मैं यहाँ पे बोर्ड पे लगा रहा हूं, इफ यू कैन सी दिस चार्ट। डिग्री के निकालने की प्रक्रिया कुछ ऐसी थी, किसी जातक का जन्म जब हुआ तो गुरु की कुछ भी डिग्री हो सकती है, लेट्स अस्यूम गुरु की 10 डिग्री थी या हम एक डिग्री, नहीं सर 23.57 ले लेते हैं, इजी राउंडेड ऑफ टू 57 हां 24 राउंडेड ऑफ टू 24 ओके ठीक है जी, ये हो गई। अब हम यहाँ पे देखते हैं गुरु को प्रोग्रेशन के अंदर एक राशि से जो राउंड लेगा वो 12 साल का लेगा, वन राउंड ऑफ गुरु इज 12 इयर्स, ये बात हमें पता है। तो 30 डिग्री को 12 से डिवाइड करेंगे 12 ईयर से, तो 2.5 डिग्री का एक साल का राउंड एक साल आएगा आ जाएगा। हाँ, अब अगर 24 का है, 24 डिग्री है तो 24 डिग्री को अगर हम 2.5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा पता है कोई? 9.6 समथिंग आ रहा है 10 इयर्स वी कैन से। 10 इयर्स ले लो आप, 10 इयर्स ले लो आप, तो अगर आपने 10 ईयर निकाल दिए तो जो बैलेंस राउंड बचा, बैलेंस राउंड अवेलेबल फॉर 2 इयर्स इज 2 इयर्स ओनली। ओके, तो इस केस में यहाँ पे हम यहाँ पे चार्ट भी बना देते हैं छोटा सा। फिफ्थ हाउस में है ये जुपिटर, तो ये चलेगा फिफ्थ और सिक्स बस, है ना। एक ये चला देते हैं, बना दिया हमने चार्ट, एक मिनट रुकिए मैं चार्ट बना देता हूँ एक। ये हमने कौन सा हाउस में बोला आपने, ये फिफ्थ हाउस में है, फिफ्थ हाउस में रेट्रोग्रेड है ये। हाँ, रेट्रोग्रेड का कांसेप्ट को अभी होल्ड करते हैं, पहले नॉर्मल कर लेते हैं। हाँ, हम रेट्रो लिख के छोड़ देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे जब ये आ गई बात यहाँ तक, तो अब हम क्या करेंगे, हमें पता है गुरु ने एक साल चलना है तो गुरु की स्टार्टिंग होगी 1 ईयर यहाँ से, सेकंड ईयर होगी यहाँ से, ठीक यहाँ पे आ गया। अब ये हो गया राउंड 1 कंप्लीट, राउंड 1 इज कंप्लीटेड कंप्लीट। नाउ सेकेंड राउंड 2 स्टार्टिंग फ्रॉम नेक्स्ट हाउस, क्या मतलब हुआ जी, यहाँ से स्टार्ट होगा गुरु, अब गुरु आ गया यहाँ पे, तो ये क्या मतलब हुआ जी, यहाँ पे आ गया 3 okay. यहाँ पे आ गया 4 यहाँ आ गया 5 एंड सो ऑन, यहाँ पे आकर कैलकुलेट करके तो यहाँ आएगा 14, ठीक है जी, यहाँ 14 आएगा, कैलकुलेट करके देख लो आप, कैलकुलेट कर लो आप, 14 आएगा यहाँ पे। अब ये हो गया सेकेंड राउंड कंप्लीटेड, अब बारी आ गई थर्ड राउंड की, थर्ड राउंड स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट हाउस, सेवेंथ हाउस में जुपिटर चला जाएगा। अब ये आ गया जुपिटर यहाँ पे, तो 14 था यहाँ से आया 15, यहाँ से आया 15, यहाँ से आया 16 एंड सो ऑन, और ये यहाँ पे क्लोज होगा कितने पे, 26 करके देख लो, 26 पे आएगा, देख लो शायद मेरा गलत हो गया हो गलती से, तो मैं भी सही कर लूंगा, नहीं, 26 ठीक है, ठीक है जी। ये हो गए जी 3 राउंड कंप्लीटेड, क्या हो गया ऐसे, राउंड कंप्लीटेड नाउ, ठीक है।
अब यहाँ पे अगला राउंड, यहाँ पे अगला राउंड आएगा फोर्थ राउंड, फोर्थ वो राउंड 8th हाउस में चला जाएगा जुपिटर। स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट हाउस। अब ये जुपिटर आ गया यहाँ पे, एक एक मिनट, मेरा कुछ सिस्टम हैंग हो गया, एक मिनट रुके। सम प्रॉब्लम, एक मिनट रुके। ओके, तो जुपिटर आ गया यहाँ पे, ठीक है जी। तो ये यहाँ पे स्टार्टिंग किस कितने से होगा, ये 27, अट्ठाईस, 29। सर 27 जो है 8th हाउस में आएगा, तो 9th हाउस में 28 हाँ रहेगा, सॉरी फिर सॉरी 8th हाउस। सॉरी सॉरी, हाँ यू राइट यू राइट, ये मेरा सिस्टम गड़बड़ हो गया, एक मिनट के अंदर। यस यू राइट, ये कलर चेंज कर देते हैं। यहाँ पे आ गया 27, यहाँ पे आ गया 28, 28, हाँ 29, यहाँ पे आ 30। गया 29, यू राइट, एंड सो ऑन। इसकी क्लोजिंग होगी यहाँ पे और यहाँ क्लोजिंग होगी 38 पे, करके देखिए आप, 38 पे, यस राइट। एंड सो ऑन। इज दैट क्लियर टू यू ऑल? हाँ।